हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वॉलपेपर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलपेपर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वॉलपेपर शो हो जाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पर मोर वॉलपेपर पे जाएंगे तो मोर वॉलपेपर पे भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वॉलपेपर होंगे। और यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे फंक्शन मतलब हैं, इसके लिए आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप चेंज कर सकते हैं, वैसे ही बता देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें जाएंगे तो आपको डाउनलोड वॉलपेपर मिलेंगे और यहाँ पे जाएंगे एल्बम में, एल्बम में जाएंगे तो आपको फ़ोटो वगैरह देखने के लिए मिलेगी। जो आपने फ़ोटो वगैरह मतलब कोई फ़ोटो वगैरह है आपके पास वॉलपेपर लगाने के लिए, वो लगा सकते हैं। इस पर जाएंगे तो कैमरे पर वही लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैं आपको बता देता हूँ, इस पर जाएंगे हम कोई सा भी वॉलपेपर उठा लेते हैं, जैसे कि हम ये वाला वॉलपेपर उठा लेते हैं, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं, होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं, होम एंड लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।